स्वर्ग सुमन श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से बोझ इस विषय पर मनन करेंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, कई बार हमारे अपने पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक विचार, हमारे काम पर हमारी जो जिम्मेदारियां, बहुत सारे मन में के सोच, हमारी ज़रूरतें, इन सभी विचारों को लेकर हम कई बार एक दबाव, एक बेचैनी सा अनुभव करते हैं और इन सारे अनुभवों को हम बोझ कह सकते हैं, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमें हमेशा दबाव और एक हमारे ऊपर एक बहुत सारे एक डर की हम अनुभव करने लगते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल में पवित्र शास्त्र यूं कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ऐसे भी लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और इस विषय पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर बालकों पर प्रकट किया है। और जिन बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह पिता को धन्यवाद देकर कहते हैं कि हे पिता, तूने इन बातों को बालकों पर प्रकट किया है, मेरे प्रिय श्रोताओं, ये बालक कौन है? यह बालक तो आप और हम हैं, क्योंकि हम इन बातों को समझ सकते हैं। यह बातें बहुत साधारण हैं, हम इनको कबूल कर सकते हैं, हम इनको मान सकते हैं, मगर कई बार हमारे अपने मन के हटीले स्वभाव के कारण हमें यह साधारण तरीका समझना मुश्किल हो जाता है। ताकत तो बहुत है, हम 25 किलो के दो बोरियों को लेकर अपने हाथों में उठाकर कई मीलों तक हम चल सकते हैं, मगर कई बार हमारे मन में की चिंताएं, हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशें, हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, इन सभी बातों को लेकर कई बार चलना मुश्किल हो जाता है। और यीशु मसीह के समय में भी इस प्रकार के बुद्धिमान और समझदार लोग थे, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला मन फिराओ का समाचार लेकर चिल्ला चिल्ला कर कहता था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के विरोध में वहां के लोग कहते थे, इसके अंदर तो दुष्टात्मा है। और यीशु मसीह के बारे में भी कहते थे कि ये तो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यीशु मसीह ने जिन शहरों में सबसे सामर्थ्य के कार्य किए, जैसे कि खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम, इनके विषय में इनके मन का, इनका पत्थर दिल और इनकी अज्ञानता के कारण यीशु मसीह ने उनको कहा कि न्याय के दिन में तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाँ, और श्रोताओं, इससे मुझे कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग माँ थी जो रास्ते से चल रही थी और उसके सिर के ऊपर बोझ था। उसी रास्ते से एक सज्जन ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसने अपनी उस ट्रक को रुकाकर उस माजी के ऊपर दया किया और उसको कहा, माजी, आप आइए, इस गाड़ी में बैठिए और आपको जहां पर जाना है वहां पर मैं आपको छोड़ देता हूं। माजी उस बोझ को लेकर गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़े देर के बाद ड्राइवर ने पीछे देखा तो माजी गाड़ी में बैठी तो है, मगर वो बोझ वैसे ही उसके सिर के ऊपर है। थोड़े देर के बाद जहां पर उतरना था वहां पर गाड़ी को रुकाया और उस ड्राइवर ने माजी को कहा, माजी, आप तो गाड़ी में बैठी है, मगर
आपका बोझ तो आपके सिर पर ही था, अब इससे आपको क्या लाभ हो गए? मेरे प्रिय श्रोताओं, जब मैं इस कहानी को सुनता हूं तो मुझे बड़ा हंसी आता है, क्योंकि वो दोनों पर मुझे हंसी आता है। वो जो ड्राइवर जो था उसका भी समय व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो अच्छा खासा अपने काम से चला जा रहा था, उसने गाड़ी रुकाया, उसका समय व्यर्थ हो गया। और जो माजी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो बेचारी माजी ऐसे भी रास्ते से चल रही थी तो बोझ उसके सिर पर ही था, और उस गाड़ी में भी बैठी है तो बोझ उसके सिर पर ही है। प्रिय श्रोताओं, कई बार इस प्रकार से हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है, परमेश्वर के वायदे हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर से हमारा वो डर दूर कर देते हैं, वो बोझ हल्का होने जैसे सारे उसके वायदे हमें बहुत सुंदर तरीके से हमारे मन में समाधान और आनंद देते हैं, फिर भी हम अपना बोझ छोड़ना नहीं चाहते हैं। और प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे हमारी इस बोझ भरी जो हमारी यात्रा है उसमें हम पवित्र कलाम, प्रभु परमेश्वर का जो सच्चा कलाम हमको किस प्रकार की सांत्वना देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहोशू की किताब 1:5 कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तो तुझको छोड़ूंगा। यशया 49:16, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। उसी प्रकार यशया 58:9 कहता है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, और जब तू दुहाई देगा वह कहेगा हाँ मैं यहां हूं। उसी प्रकार यशया 59:1-2 कहता है, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, और वह बहरा नहीं हुआ कि वह सुन न सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। प्रिय श्रोताओं, यह है हमारा स्वभाव और परमेश्वर के हमारे लिए जो वायदे हैं। अब देखिए और एक वचन है जो हमें किस प्रकार से सच्चाई हमारी कहने पा रहा है। देखिए भजन संहिता 145:18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब मुझे और आपको यही करना है कि उस परमेश्वर के पास ऐसे हमारी बोझ और जो हमारी जो इस प्रकार की जो चिंता और ऐसे एक घुटन सा जीवन, ऐसा जो हमारा जो समस्या से पूरा घेरा हुआ जीवन जिससे कि हम हमारे जीवन में हमेशा अशांत महसूस करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें कौन सुनेगा और इस समस्याओं से हमें कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज से हम सच्चाई के साथ यहोवा को पुकारेंगे और निश्चय परमेश्वर का वायदा हमारे लिए कहता है कि हाँ मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इन वचनों के द्वारा आपने हम सबों के साथ, प्रिय श्रोताओं के साथ जो बातचीत की है, और ये सच है प्रभु कि आपके पवित्र वचनों के वायदे हमारे लिए सांत्वना देते हैं,
बल देते हैं, ताकत देते हैं और हमारे उन सारे परिस्थितियों में से हमें छुड़ाते हैं। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र पिता, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम यूं कहते हैं कि हमारे सारे श्रोता जो सुनने वाले, उनकी आप सहायता करें, उनके हर परिस्थितियों में से आप उनको छुड़ाएं, उनकी जो भी समस्या है उनमें से आप उनको छुड़ाएं। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपने हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। हम यही कहते हैं कि हमने मांगा और हमने पाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। इस वक्त पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।